कहते हैं फरवरी का महीना प्यार इश्क और मोहब्बत का महीना होता है। चलो एक ऐसी ही कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहीं पर एक बुजुर्ग से दादाजी भी आते हैं, तो वो लोगों से और कंपाउंडर से कहते हैं कि मुझे डॉक्टर से पहले मिल लेने दिया जाए, मुझे पास के दूसरे हॉस्पिटल भी जाना है। कंपाउंडर डॉक्टर कमरे में जाता है और डॉक्टर से बुजुर्ग के पहले आने की अनुमति मांगता है। डॉक्टर आने की परमिशन दे देते हैं और वो बुजुर्ग डॉक्टर कैबिन में जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि बताइए बाबू जी क्या तकलीफ है आपको, मैंने सुना है आपको दूसरे हॉस्पिटल भी जाना है, किसी और डॉक्टर से मिलने। तो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं नहीं, दरअसल पास के अस्पताल में मेरी पत्नी 2 महीने से बीमार है और वो वहाँ पर एडमिट है और हर शाम को मैं उसके साथ अपनी चाय पीता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ आपकी पत्नी को, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरी पत्नी को अल्जाइमर है। डॉक्टर ने फिर से पूछा कि ये तो वही बीमारी है ना जिसमें पेशेंट को ठीक से याद नहीं रहता, तो बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा, अब तो वो ठीक से मुझे भी नहीं पहचानती। डॉक्टर को थोड़ा अजीब सा लगा, डॉक्टर ने कहा कि बाबा वो आपको ठीक से पहचानती नहीं है और आप हर शाम को उनके साथ अपनी चाय पीते हो। बुजुर्ग ने इस बार मुस्कुराया और कहा कि क्या हुआ वो मुझे नहीं जानती, मैं तो उसे जानता हूँ ना, अर्थात सच्चे मायने में इसी को कहते हैं ट्रू लव, जो सामने वाले से ये नहीं देखता कि उसे क्या मिल रहा है, सिर्फ प्यार देना जानता है। आज के वक्त में लोग टेडी डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे पे अगर एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते तो एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि सामने से हमेशा डिमांड करना, प्यार का मतलब होता है सिर्फ प्यार देना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, सामने वाले की फीलिंग्स को समझना। डिमांड इज नॉट लव। वो कहते हैं ना, जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ तो व्यापार होता है, जो अनकंडीशनल हो सिर्फ वही प्यार होता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।